आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों कि एक कोपर की छड़ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। जब छड़ संतुलित अवस्था में हो तो यह अपने आप को किस दिशा में संरेखित करेगी? विकल्प आपके सामने ये दिया गया है बच्चों, अ, ब, स, तो ये द। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारे को दिया गया है कोपर है ना, कोपर मतलब क्या है बच्चों? तांबा। ठीक है, ये किस तरीके का पदार्थ होता है? ये होता है हमारे पास प्रति चुंबकीय पदार्थ है ना, प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो क्या करता है बच्चों? विरोध करता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है ना, विरोध करता है। ओके, तो यह हमेशा किधर जाना चाहेगा? यह फटाफट से चुंबकित भी नहीं होता, किधर जाना चाहेगा? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बेटा? कम होगा। और वहां जाने के बाद में इसकी दिशा कैसी हो जाएगी? लंबवत हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ तो जाएगा ही नहीं है ना, ये उसको पसंद ही नहीं करता है, विरोध करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दृढ़ चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा? नहीं, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर जाएगा। हाँ, ये सही हो सकता है, लेकिन संपूर्ण आंसर देखते हैं कि उस अवस्था में बनी रहेगी जिस अवस्था में मूल रूप से थी नहीं बच्चों, और उस क्षेत्र में जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। हमारा पूरा संपूर्ण आंसर ये रहा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।